मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वक्त पहुंच चुका है डॉक्टर सगीर की सरबराही में इस वक्त, और हमने देख ये इस वक्त डॉक्टर सगीर मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे हैं। तजुर्बा हो जिसके पास सियासत का, जिसके पास रूहानी खिदमात का इतना वसी सिलसिला हो, वो यकीनन एक बड़ा गैप है, उसको फिल होने में एक वक्त लगता है। और एमकेएम ने इसी वजह से अपनी आज जो भी तंजीमी सरगर्मियां हैं, जो भी सियासी सरगर्मियां मुअत्तल की हैं, ताकि उनको खराज अकीदत पेश कर सके। और आज यहाँ पर अशफाक मंगी साहब राबता कमेटी के मेंबर, वसीम आफ्ताब राबता कमेटी के मेंबर, हक परस्त सूबाई वजीर जुबैर अहमद खान और हक परस रुकन कौमी असेंबली सलाउद्दीन साहब इसीलिए मौजूद हैं कि आज हम उनकी आखिरी जो उनकी रसूमात हैं और उसमें जिस तरह से नमाज जनाजा है और तदफीन का सिलसिला उसमें शिरकत कर सके और उनको खराज अकीदत पेश कर सके। और हम सब इंतहाई इस मौके पे एमकेएम का एक एक कारकुन, कायदे तहरीक अल्ताफ भाई, पूरी राबता कमेटी, एमकेएम का एक एक जिम्मेदार इस मौके पे इंतहाई रंजूर है, इंतहाई रंजीदा है, अफसरदा है। और हम सब इस मौके पे पाकिस्तान फंक्शनल लीग पीर साहब पगारा के अहले खाना के साथ, पीर साहब पगारा के जितने भी मुरीदैन हैं उनके साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ जमा हुए हैं, ताकि हम उनको इस मौके पे ताजियत भी कर सकें और उनके साथ इजहार हमदर्दी कर सकें और इस मौके पे उनके साथ मौजूद रहें ताकि एक बड़ी शख्सियत को उनके शायन शान अकीदत पेश कर सकें। जी देखें, कल इसमें बड़ी तफसील के साथ इजलास भी हुआ और इसके बाद एलामिया भी जारी हुआ है, और यकीनन जिस तरह से जो मुख्तलिफ जो सूरत हाल थी वो जेरे गौर आई, तो ये मौका इंतहाई इंतहाई अहमियत का हामिल है, इंतहाई एहतियात का हामिल है कि इस मौके पे इंतहाई एहतियात के साथ इसकी हैंडलिंग की जाए, इंतहाई एहतियात के साथ मुल्क को इस बुरान से निकाला जाए। और इसीलिए राबता कमेटी ने अपना एलामिया भी जारी किया है और हम चाहते हैं कायदे तहरीक अल्ताफ भाई की हर लम्हा ये ख्वाहिश रही है कि इदारों के दरमियान कोई तसादुम, कोई महाजराई ना हो। मोहम्मद सगीर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वक्त के हमरा, जो इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वक्त सखीरपुर पहुंचा है, राबता कमेटी के रुकन और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा डॉक्टर सगीर ने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा